The BJP is addressing a press conference on the Karauli issue. Let's listen in. राजस्थान से वो अपनी बात रखें। सबसे पहले तो सभी हमारे मीडिया साथियों का धन्यवाद, आप सब यहाँ समय निकाल कर आए। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे साथ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस कारण से आज हम सब यहाँ पर आए हैं। राजस्थान प्रदेश के अंदर आग लगी हुई है, हालात वहाँ पर दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो राजस्थान की जो सरकार है वो खुद सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। ऐसा लगता है वो चाहती है कि इस तरह का माहौल बने। भाजपा का, चाहे राजस्थान हो चाहे कोई भी राज्य हो, हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि सबका साथ हो और सबका विकास हो। लेकिन एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते राजस्थान के अंदर अगर हम तुष्टीकरण को देखते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। अगर हम राजस्थान को जलता हुआ देख रहे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। और अगर जरूरत पड़ती है तो राजस्थान नहीं, बात दिल्ली में आकर दिल्ली की पूरी राष्ट्र की मीडिया के साथ करने की जरूरत पड़े तो आज वो भी आपके साथ करने के लिए आए हैं। और अचंभा नहीं होता अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार की इस तरह की सोच है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू आतंकी शब्द दिया। पूरे देश के अंदर हम हमेशा कहते थे कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदू आतंकी शब्द ही कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये वही कांग्रेस की पार्टी है, इनकी विचारधारा वही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया, एक एफिडेविट दिया कि राम सीता हनुमान एक काल्पनिक पात्र है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, तो अचंभा नहीं होता किस तरह से ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। 1966 के अंदर इंदिरा गांधी ने नागा साधुओं के ऊपर जो गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई। तो बिल्कुल अचंभा नहीं होता कि राजस्थान सरकार आज तुष्टीकरण कर रही है। जहां जहां धर्म यात्रा निकल रही है हिंदुओं की, चाहे कोटा हो, बीकानेर हो या फिर अजमेर हो, वहां पे धारा 144 लगाई जा रही है। यानी पहले से ये सोचा जा रहा है, माना जा रहा है कि हिंदू तो कम्युनल है, हिंदू सांप्रदायिकता बढ़ाएगा, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ एक धर्म विशेष के लिए कानून निकाला जा रहा है कि यहां पर किसी भी हालत में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। ये दोनों के दोनों फर्क आप साथ देखिए। यही बात रखने के लिए आज प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी यहां पर आए हैं। राजेंद्र राठौड़ जी और भजनलाल जी, रामलाल जी, ये उस टीम में शामिल थे जो करौली गए। करौली के अंदर जो पूरा हंगामा हुआ उसका पूरा विस्तार से आपके सामने बात रखेंगे। मैं सतीश जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार मित्रों, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राज्य वर्धन जी ने आपके बीच में एक पृष्ठभूमि रखी है। हमारे साथ में शहजाद जी और माननीय राजेंद्र राठौड़ जी हम सब के साथ में हैं। आज आप लोगों से इसलिए मुखातिब हुए कि वैसे तो मसले बहुत हैं। पिछले 3.25 साल से कांग्रेस पार्टी की, अशोक गहलोत जी की सरकार है। राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की नकारा, अकर्मण्य, भ्रष्ट, अराजक सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मैं 90 से राजनीति में हूं, सरकार इनकी भी रही है। और जिस तरीके से राजस्थान में मुद्दों के तौर पर एक बड़ा मुद्दा किसानों के बीच में कर्जा माफी का आता है, जिसकी खुद वायदा किया था राहुल गांधी जी ने और कहा था कि चाहे सूरज उगे न उगे, चंद्रमा गायब हो जाए, 10 तक गिनती गिनूंगा और कर्जा माफ हो जाएगा। दूसरा बड़ा मसला बेरोजगारी का है। 32.3% से भी ज़्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और रीट में चीट की गूंज आप लोगों तक पहुंची होगी। उस पर भी हम लोग सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं और सरकार उस पर पीछे हट रही है। चौथा एक बड़ा मसला है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। ये अनूठी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन गया। जैसे रेस्टोरेंट में अलग अलग डिशेज की रेट्स होती हैं, वैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अलग है, लोकल बॉडीज की अलग है, पुलिस की अलग है। इसको एसीबी के अधिकारी एडमिट करते हैं कि जी हाँ, कुछ इस तरीके का नज़ारा राजस्थान में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात राजस्थान के बारे में लागू होती है, राजस्थान के बारे में आप सब लोग जानते हैं, पीसफुल स्टेट है। लोग वहाँ पर्यटन के लिए, रिहाइश के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए आते थे, लेकिन राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर यदि सीधे सीधे चोट पहुँचती है तो वो एक पक्ष है कानून व्यवस्था का, और जब कानून व्यवस्था गड़बड़ होती है तो इनमें से कोई नहीं आता है। पर्यटकों की संख्या भी कम होती है, निवेशकों की संख्या भी कम होती है, और उसका ताजा तरीन उदाहरण है कि पिछले 3 सालों में 7 लाख के करीब 7 लाख FIR ये पहली बार राजस्थान में दर्ज हुई है। और केवल इतना नहीं, इन 7 लाख मुकदमों में पिछले 21 से लेकर 22 तक का जो आंकड़ा है उसमें वो सब चीज़ें शामिल हैं जिसमें मॉब लिंचिंग भी है, जिसमें कम्युनल राइट्स भी हैं, और ख़ास तौर पर महिलाओं के मामलों में 1 साल का आंकड़ा है 6337, जो सिर्फ गैंगरेप, दुष्कर्म, उत्पीड़न की घटनाएं हैं। इस तरीके से जो प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसा लगता है कि उन्होंने राजस्थान की बच्चियों को, मातृशक्ति और महिलाओं को इसी तरीके से बेबस और लाचार इतना कर दिया कि कोई पीड़िता एम्बुलेंस कर्मी से रोटी मांगती है तो उसकी असमत ले ली जाती है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। और इसमें जो अब यक्ष प्रश्न है जिसके लिए हम सब लोग आपके बीच में आए हैं, राजस्थान की इस शांति को किसी ने खत्म किया तो उसके दोषी अशोक गहलोत जी हैं। और अशोक गहलोत जी की जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, साफ नजर आता है कि उन्होंने खुद ने एक ऐसा पक्ष खड़ा कर दिया बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम से। उनका पिछले 3 वर्षों का ट्रैक देखेंगे तो बहुसंख्यक अपने आप को त्यौहार मनाने में भी हिचकते हैं, डर लगता है उनको, और इसके अनेकों ताजा तरीन उदाहरण हैं। वो कश्मीर फाइल्स को देखने पर बैन करने के लिए 144 लगाते हैं, डिस्करेज करने के लिए। हिंदुओं के जितने त्यौहार हैं उनके लिए अभी लेटेस्ट अजमेर की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि ऑर्डर किया 144 का, और उसमें ये कहा कि कोई प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेगा, कोई अपने धार्मिक चिन्ह का, कोई नारा नहीं लगा सकेगा, जबकि अच्छे से पता है कि 2 अप्रैल को जब भारतीय नववर्ष शुरू हुआ, नववर्ष होता है चैत्र में, वर्ष प्रतिपदा पे, उस दिन पूरे देश और प्रदेश में बड़ी संख्या में और नववर्ष के जुलूस निकलते हैं, परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से निकलते रहे। इससे पहले की पृष्ठभूमि में PFI ने एक रैली की परमिशन मांगी कोटा के अंदर, उसको परमिशन दी गई बाकायदा, वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, लाठी और हथियारों से लैस वो लोग थे। वहां जो नारे लगे जिस तरीके से अल्लाह अकबर से लेके तमाम किस्म के नारे जो विभाजक हो सकते हैं, इस तरीके के नारे लगे। बीकानेर में इसी तरीके से जुलूस पर पाबंदी लगी, भीलवाड़ा पर लगी, और इसी तरीके से 144 को इम्पोज किया जगह जगह उन जुलूस को डिस्करेज करने के लिए। और जो करौली में हुआ वो अपने आप में बड़ा उदाहरण है। करौली के मामले में उसको जुलूस को परमिशन थी, परमिशन के बावजूद CLG की मीटिंग हुई, जो दोषी थे वो CLG की मीटिंग में मौजूद थे, और उसके बाद वहाँ जो घटना हुई वो सबके सामने है। उसके कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे, और मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी उस डेलीगेशन में थे 7 लोगों का, जिसमें हमारे सांसद और विधायक उपस्थित थे। उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट मुझे दी है, उसके कुछ अंश आप लोगों के बीच में वो बयां करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपीजमेंट का काम किया है, PFI को खुश करने का काम किया है, सो कॉल्ड माइनॉरिटी को राजी करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, उससे राजस्थान में ऐसा लगता है कि तालिबान का शासन है। राजनीति करते हैं, जादूगर हैं, प्रतिशोध की राजनीति करते हैं, लेकिन इस तरीके से राजस्थान के उन लोगों के सीधे सीधे मानव अधिकारों पर भी चोट करते हैं। क्या हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स नहीं हैं? क्या वो पिटने के लिए हैं, मुकदमे के लिए हैं? और अभी भी बात वो शांति और सद्भाव की करते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ये बयान करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिंसा को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। भाई, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री भी हो, आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी है, पुलिस आपके अंतर्गत आती है। मोदी जी राजस्थान में आपकी सरकार चलाने के लिए आएंगे। मैं ये मानता हूं कि ये एडमिट उन्होंने कर लिया कि भविष्य में अशोक जी का कोई रोल रहेगा नहीं और जो कुछ करेंगे मोदी जी करेंगे गवर्नेंस के लिए। लेकिन इस तरीके से श्रीमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक निजी कार्यक्रम में सवाई माधोपुर आए, उसी दिन की घटना है। जेपी नड्डा जी का इस पूरी घटना से कोई रिलेवेंस नहीं था, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या कहता है कि जेपी नड्डा आए और दंगा भड़काकर चले गए। मैं मानता हूं कि इतना मानसिक असंतुलन किसी अविवेकशील व्यक्ति में हो सकता है जो अपनी कुर्सी के पाए को खिसकते हुए देखकर इस तरीके की बयानबाजी करता है। राजस्थान की पुलिस को कांग्रेस पार्टी के अपने लोगों की जासूसी के लिए बखूब इस्तेमाल किया है और इसमें बहुत अरसे पहले की घटना सब आपके सामने, किस तरीके से अपने ही उप मुख्यमंत्री और पीसीसी के चीफ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा इन्हीं की सरपरस्ती में होता है। राजस्थान में फोन टैपिंग, इसकी चर्चा आम है, तो पुलिस को जन सुरक्षा की बजाय अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए अशोक गहलोत जी ने डिप्लॉय किया हुआ है, डेप्यूट किया हुआ है। और इसलिए हमारा सीधा सीधा आरोप है कि इसकी पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। निर्दोषों को जिस तरीके से टारगेट करके और उस पे उनको पुलिस का दबाव देकर जिस तरीके से उनको हतोत्साहित करने की कोशिश हुई है, उस पर हमारा ऐतराज है। हमारे करौली के पूर्व चेयरमैन राजाराम हैं, उनके खिलाफ उन्होंने लगातार पुलिस ने एक आतंकवादी जैसा व्यवहार करके पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। ऐसे इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोगों पर। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा मसला था कि जो आप लोगों के समक्ष आना चाहिए था और देश के लोगों को भी इसके बारे में ठीक से जानना चाहिए था कि किस तरीके से लगभग अब 2 प्रदेशों में बचे हैं और उसमें भी जिस तरीके से राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण कर रही है वो हम सब के लिए चिंता भी है। हम अपने राजनीतिक तौर पर उसको जिस भी तरीके से काउंटर करेंगे, पार्टी उसकी रणनीति कर ही रही है, लेकिन आपके जरिए आम लोगों तक हमारी भावना पहुंचे, इतना निवेदन था। और मैं आदरणीय राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा क्योंकि वो उस कमेटी का हिस्सा थे और पूरी अच्छे तरीके से इन्होंने पूरी फाइंडिंग्स की हैं, वो अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। मित्रों, प्रदेश अध्यक्ष जी ने राजस्थान के कानून व्यवस्था की भयावह तस्वीर आपके सामने रखी। मैं मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि करौली, जहां आज 7वें दिन भी लगातार कर्फ्यू है, वहाँ जो घटना हुई, घटना को जब ये जुलूस प्रारंभ होगा उससे लेकर उपद्रव होने तक पुलिस के अधिकृत व्यक्ति ने उसको पूरा वीडियोग्राफी उसकी की। उस वीडियो के कुछ अंश, जो अंश मेरे नहीं, पुलिस के अधिकृत व्यक्ति कांस्टेबल के द्वारा, एक एसआई के द्वारा बनाई गई थी, सुमेर प्रचार कांस्टेबल नंबर 355 और एक सब इंस्पेक्टर। मैं चाहूंगा कि मैं मेरी बात प्रारंभ करूं। Well, the BJP press briefing is still underway as to asking the Gehlot government to take responsibility of what happened in Karauli. पुलिस प्रशासन से मिले, हम वहां उस स्थान पर भी गए जहां पर यह हमला हुआ था। हम उन लोगों से भी मिले जो चोटिल हुए और उन लोगों ने जो सारी बातें बताई, उसमें बड़ी बात यह थी कि पुलिस की जो एफआईआर खुद की है, जो पहली एफआईआर नंबर 0131/2022 3 तारीख को दर्ज होती है 11:26 पर। यह एफआईआर मैं आपको, आपके अवलोकनार्थ आपको दूंगा। पर इस एफआईआर में मैं अंतिम पंक्ति पढ़ के सुनाऊंगा ताकि पता लग जाए कि हम पर आप राज्य के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी कहते उत्तेजित नारे लगे और उनके खुद के एसएचओ की ये पहली रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं उक्त जाब्ता बाइक रैली में शरीक लोग पर उक्त मस्जिद के आसपास मकान और दुकानों की छतों से अंधाधुंध पथराव करना शुरू हो गया जिसमें रैली में शरीक लोगों में भगदड़ मच गई। तभी जिम वालों का मकान और जिम सेंटर तथा बांस की बलियों की दुकानों मकानों व चूड़ी वालों की दुकानों से करीब 100-150 लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर समूह के रूप में पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जुलूस पर जानलेवा हमला किया जिसमें मन थाना अधिकारी सहित इतने लोग हम घायल हुए। खुद पुलिस के लोग घायल होते हैं, एक एफआईआर दर्ज नहीं। और ये सारा वीडियो इस बात को बताता है। हमने उनसे ये सवाल किया कि आपने अनुमति दी और ये जो टनों पत्थर थे ये पत्थर उन 3 मंजिली मकानों पर यकायक कैसे पहुंच गए? पत्थर किलो हो सकता है, मन हो सकता है, जहां टनों हो वहां कैसे पहुंच गए? अचानक जो हमला हुआ उस हमले के अंदर पुलिस को पहले चेतावनी दी। सीएलजी की मीटिंग 1 तारीख को होती है। वहां के पूर्व पार्षद और एक वहां के चेयरमैन के दत्तक पुत्र ये कहते हैं कि आपने जुलूस निकाला तो उसका खामियाना आपको भुगतना पड़ेगा और सरकार पुलिस के अधिकारी के सामने चेतावनी देते हैं। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी देते हैं और उसके बाद ये सुनियोजित दंगा होता है और सुनियोजित दंगा के अंदर पुलिस के कांस्टेबल भी घायल होते हैं। उनकी तरफ से भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। और मैं समझता हूं कि जब ये हमला हुआ उससे पहले एक विशेष लोगों के ऑटो रिक्शा और दुकान पहले बंद हो जाती है और हमने 4 वीडियो दिए उनको जिन वीडियो में वो चेहरे वो किरदार सामने आते हैं जिन्होंने ये सारा हमला किया। और हमारा तो आरोप है, ये पहली बार नहीं, इससे पहले कि 3 घटनाओं का मैं जिक्र करके आपको वीडियो दिखाऊंगा। एक घटना हुई थी अप्रैल में 2021 में छबड़ावे में धनबाद सर्किल पर 2 युवकों की चाकूबाजी और दुकानों में आगजनी। और एक घटना हुई उसके बाद जुलाई 2021 में झालावाड़ में गंगधर पेड़वा और भवानी मंडी में। और उसके बाद एक घटना हुई जयपुर में संजीव प्रकाशन में एक इस्लाम आतंकवाद के चैप्टर से नाराज होकर उन्होंने उस पर हमला किया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने कहा इन तीनों हमलों के पीछे संगठित गिरोह पीएफआई के हाथ होने से नकारा नहीं जा सकता। उसके बाद उसी संगठन को राज्य के मुख्यमंत्री कोटा के अंदर हिजाब रैली की अनुमति दे। इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं अब राजस्थान एक ऐसे मुहाने पर खड़ा हो गया जिससे राजस्थान के अंदर अमन चैन समाप्त हो गया। और अब जिस बात का जिक्र आपने किया, एक तरफ राजस्थान जल रहा था, दूसरी तरफ इसी 1 अप्रैल को राजस्थान के ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर एक आदेश निकलता है कि रमजान के महीनों को देखते हुए, रमजान और नवरात्र महीना साथ साथ चल रहा है, सिर्फ रमजान के महीने को देखते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। और दुर्भाग्य यह है पहली बार राजस्थान के अंदर किसी सत्तारूढ़ दल ने किसी घटना को लेकर अपने पुलिस जाब्ता और प्रशासन पर विश्वास नहीं करते हुए एक रफीक खान जी हैं वहां के आदर्श नगर के विधायक, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। जिस तरह हमारी जांच कमेटी प्रदेश अध्यक्ष जी ने 7 लोगों की बनाई, उन्होंने 3 लोगों की बनाई और उस कमेटी ने कहा कि उत्तेजित नारे लगे थे, इसके कारण से उत्तेजित होकर लोगों ने उस रैली पर हमला किया। हमने उन्होंने कहा, जबकि ये पूरी एफआईआर में कहीं ये नहीं बात की, जो एफआईआर उस समय तत्कालीन घटना घटित होने के साथ ही उस एसएचओ ने दर्ज की, इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा कि उत्तेजित नारे लगे। और मैं समझता हूं कि इतने दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात भी बेगुनाह की गिरफ्तारी जारी है। इस अपराध के अंदर भी सामाजिक संतुलन बनाने की बात पुलिस कर रही है, जिसका जिक्र भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे पूर्व चेयरमैन राजाराम जी का। उस तरह के दर्जनों लोग हैं जिनको लाकर पुलिस ने 4 दिनों से गिरफ्तार कर रखा है। मैं समझता हूं इन सारी बातों से, और हमने जो वीडियो दी, हमने उनको 2 बातें कही, एक तो आपका अधिकृत वीडियो पुलिस का और एक जो हम वीडियो दे रहे हैं, 4 वीडियो हमने अलग अलग दिए, उसमें से 1-2 वीडियो का अंश आपको दिखाएंगे। इन वीडियो के आधार पर आप चेहरे पहचान लो। और अगर आप ये बता दें कि रैली पर चलते हुए किसी भी आदमी के हाथ में कोई हथियार है या कोई बात है, तो हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। ये सारी बातें वहां दौड़ दौड़ कर पीछा करते करते पीटा गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले नहीं चलाए, पुलिस ने ड्रोन से पहले सर्वे नहीं कराया, पुलिस ने तो तमाम इंतजाम किए जाने थे। उनके सामने जब सीएलजी की मीटिंग में चेतावनी दी और पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। ये सारी बातें इस चीज को बयां करते हैं कि वोट की राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति पर हमारे मुख्यमंत्री जी इस कदर सवार हुए हैं कि राजस्थान का अमन चैन समाप्त हो गया। मैं दर्जनों घटना है जिनका जिक्र कर सकता हूं, पर मैं जिक्र करके समय आपका व्यतीत नहीं करना चाहता। मालपुरा के अंदर जो वहां के लोगों ने लिखित में प्रशासन को दिया, हम अब पलायन को मजबूर है क्योंकि यहाँ की हालात इस तरह के हैं। ये घटनाओं का सीरीज है। राजस्थान सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक प्रदेश रहा, आज राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को तार तार करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है और मैं समझता हूं राजस्थान जलेगा। इसकी आशंका के साथ आज हम आपके रूबरू होने के लिए आए हैं। आपने बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो वीडियो हम चला देते हैं जिसमें कि आपको दिखेगा किस प्रकार से पुलिस का केवल इनएक्शन नहीं बल्कि कंप्लिसिटी रहा। वीडियो देखिए। लाइट बंद करा। Right, so the Bharatiya Janata Party there hitting out at the Ashok Gehlot government. Satish Poonia said that Ashok Gehlot is running a Taliban-style Sarkar in Rajasthan and the BJP is demanding a judicial probe in the entire matter. Absolutely. So now they are putting out videos which are talking about certain complicity of the Rajasthan police there, and very much present is the police that can be seen, and multiple of these proofs, these video proofs is something that Times Now has also been focusing over the last 6 days ever since this incident that has now happened, and there is now ample proof and video evidence that shows as far as the supporter of the Congress is concerned, Matloob Ahmed and his family's alleged involvement in the communal clashes. Matloob Ahmed has been named as the main conspirator by the Rajasthan police itself. They have not been able to trace him yet. There are new sensational videos that have come to fore that go on to show how Matloob was the main conspirator, the mastermind, and people known to him, his aides, his relatives seem to be carrying out, executing his orders. In these visuals you can see that there was a presence of the police personnel on ground when people carrying stones, sticks and lathis ran amok in those lanes of Karauli to unleash violence, but there was no stopping these criminals. In fact, a free pass, a free run was given to them. The BJP is questioning this very angle. The BJP alleges that the police there was hand in gloves with the perpetrators.